अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल वालेकुम है। सलाम वरहमतुल्लाह। चलो वाक़िया के मतलब आप लोगों ने वीडियोस हमारी पहले देख ली होंगी, हसन भाई की भी, राशिद भाई, और मैंने भी आपसे कल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। सो सलवाकिया भैयान बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें गिदड़ सिंगी नहीं है, और आप लोगों की फरमाइश के ऊपर जो है डन बेस, ठीक है ना। वैसे तो जिसने किया डन पे वो तो बहरहाल लोग कहते हैं कि नहीं भाई सही पैसे बाँच देने, तो जहाँ पर ऑप्शन होती है फिर हम वो आपसे शेयर कर देते हैं। तो स्लोवाकिया जो है ये हंगरी, रोमानिया और जो है पोलैंड, एक तरफ यूक्रेन भी साथ ही है, क्योंकि यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा की सरहदें लगती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो है चेक रिपब्लिक भी है। सो शेंजन कंट्री है, यूरोप के अंदर है। शेंजन कहता था यूरोप का, तो आपको दस्ती थले जुर्म मारे आगे शेंजन है तो यूरोप ही चाहिए। अच्छा, सो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज 6 मई 2024 और सोमवार का दिन है, बस ये 2 दिन पहले सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ तो परमिट कंफर्म हो चुके हैं और कुछ जो है अगले 2-4 दिनों में कंफर्म करके खलास। और आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें यह है कि टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स हैं, आपने जॉब पे जाना है, और उसके बाद क्या है कि 1000 यूरो है ना सैलरी, 1 साल से 1200, 1000 से लेके 1200 यूरो तक सैलरी है, और वीज़ा आपका इजिप्ट से जो है वो लगना है, और आपने पहले कोई चीज़ नहीं देनी। पैसे वैसे आप देना चाहें तो आपने दे देना है, ये ना हो कि पहले सानू पता ही ना हो तुहाडे को पैसे है कि नहीं है, असीं तुहाडा वीज़ा जिहड़ा ना प्रोसैस करवा दिए बाद चा यार साडा तो मूड ही कोई नहीं। पहले आपको प्रॉपर एग्रीमेंट करना है, पैसे सारे जो है काम होने के बाद देने, ठीक है ना जी। तो यानी गारंटी होनी चाहिए कि आपने जाना है, आप पैसे देंगे और आपका काम होगा तो आप फ्लाई कर जाएंगे। इजिप्ट से वीज़ा लगना है, और उसकी भी रिक्वायरमेंट कुछ ख़ास नहीं है। इजिप्ट वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए तो ऑन अराइवल है, अभी पहले ओमान इसमें शामिल नहीं था, लास्ट दिसंबर से ऑनवर्ड जो है ओमान भी हो गया। ओमान में रहने वाले जो खारजी हैं अगर उनका अच्छा स्टेटस है तो उनको वीज़ा इजिप्ट का जो है ऑन अराइवल मिल जाता है। क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि इजिप्ट का वीज़ा कैसे लेंगे, वहाँ पे भी तो जाना पड़ेगा, ठीक है, और इजिप्ट आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है 10 दिन या 2 हफ्ते रुकना भी पड़े, तो वो सब कुछ आपने खुद बियर करना है। और उसके बाद क्या है कि वीज़ा अगर आपको ऑन अराइवल नहीं मिलता है तो हम एम्बेसी से पहले चेक करवा लेते हैं, जिनको ऑन अराइवल हो एम्बेसी कहती है आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। थोड़ा फोर्स करें तो इधर भी फिर रिक्वायरमेंट पूरी करके वही NOC स्टेटमेंट, होटल फ्लैट दे के यहाँ से भी स्टिकर लगवा सकते हैं। इजिप्ट के वीज़े भी जो है ना आपको दिखा देंगे, जिन लोगों के रिसेंट लगवाए हुए हैं और पहले भी लगे हुए हैं, वो सारे आपको, वो भी हसन भाई से कहेंगे वो सारे आपको दिखा दें। और राशिद भाई इसके अलावा कोई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? इसके अलावा जो टैक्सी भी इनकी जबानी सुन रहे 3 मिनट बाद उसी कहना है इन्होंने नाला बैठा के जरा ना बोलने देता, आप खुद सारा बता दें फिर जी के रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, ओमान का वीज़ा हो, और उसके बाद आपका लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस छोटी गाड़ी का वैलिड होना चाहिए, वैलिड हो, उसके बाद क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, हाँ जी वो हो, उसको वज़ारत खारजा से तस्दीक करा के जो कि आप पोस्टल से होता है वो देना है हमें आपने। सही, और ये नहीं कि ओमान से UAE से भी जा सकते हैं? हाँ, पूरे गल्फ से, पूरे गल्फ से कोई भी है वो रब्ता कर सकता है। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं हसन भाई का भी, राशिद भाई का भी, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा और ऑफिस की लोकेशन लेके विजिट भी कर सकते हैं। बाकी वॉइस मैसेज आपने नहीं करना, आओ आओ शाओ नहीं कीजिएगा, उनका रिप्लाई नहीं होगा, सिर्फ लिख के और डिटेल मैसेज करना है, दैट्स इट। और कोई इन्फॉर्मेशन है जी? और जी ड्यूटी जो है वो 8 घंटे हो सकती है, 6 घंटे भी हो सकती है, लेकिन ये है कि आपने 40 घंटे एक हफ्ते में ड्यूटी करनी, वीकली 40, जिस तरह ओमान में भी नया लेबर लॉ है, पहले 45 आवर थे, अभी 40 आवर्स हैं, बस यही है। अगर वो टाइम होगा तो आपको करना पड़ेगा उसके अलग से आपको, और यानी एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे तो ओवर टाइम आपको मिलेगा, ठीक हो गया। और कोई? और आपने कम से कम 1 साल उधर काम करना है, ये ना उतर जाके तो सीधा कौन विजिटली चलिए उधर चलिए, 1 साल आपने कम से कम काम करना है, उसके बाद वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर जॉब है, आपने काम करना है, उसके बाद वहाँ पे जाके आपका लोकल लाइसेंस, ये लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवानी है यहाँ से, और ये उसी वक्त करवानी है जब आपने फ्लाई करना हो, फाइनल यानी फ्लाई करना हो तो आपने करवानी है, उसकी ट्रांसलेशन करवानी है, उसको टेस्ट करवा के साथ ले जाना है, वहाँ पर आपका लाइसेंस भी बनेगा, उसके बाद आप ड्राइव करेंगे और फिर सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और ये परमिट 1 साल का है, 2 साल का? 2 साल का वर्क परमिट, 2 साल का वर्क परमिट है, ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी
आपके जहन में तो आप पूछ लीजिएगा और हम भी वक्तन फ़ौरन शेयर करते रहेंगे। ऐसा और कुछ बस ये और ये काफ़ी दिनों बाद वीडियोस में आ रहे हैं, लोग कहते हैं बस इन्नी की सी, इन्होंने तो बड़े जान छटाने की कोशिश की थी लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं छोड़ रहा। सो कहते जी बड़े दिन लोगों ने वीडियो नहीं पाई, लोग भी इनसे ही पूछ रहे थे, हमसे अलग पूछ रहे थे और बातें इन्नी गल् फिर नहीं ना रहती जिन्हें मुँह उन्नी गल् और इधर तो फिर वो गला फाड़ फाड़ के चीखते हैं लोग के पैर, पता नहीं की होगा वीडियो नहीं आ रही, शायद लड़ाई होगी, लड़ाई हुई से नहीं नहीं यार कोई कोई सीन नहीं है किसी से का, बस तो कुछ ये पाकिस्तान चले गए, कोई मेरा दुबई का टूर था, कोई रमजान मेरा सऊदी का टूर रहा, इसलिए बस सऊदी अरेबिया में लिखी लेके आया अच्छा जनाब खजूरा पानी ना ले। हाँ जी चलें खजूरें पानी मैं पीऊँगा, आप सबके लिए भी दुआ करूँगा कोई जाए तो मदीना से कोई बंदा आ रहा हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।